सब्सक्राइब कीजिए आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारे न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिले। शिवसेना अजर वाहतूक सेना कार्यकर्ता मेलावा 2019 का आयोजन सायं कोलीवाड़ा में रखा गया, जहां शिवसेना के नगर सेवक व विभाग प्रमुख मंगेश सातमकर, महिला विभाग प्रमुख रीता वाघ, शिवसेना अजर वाहतूक सेना के महाराष्ट्र अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल, महाराष्ट्र राज्य के उपाध्यक्ष रीना खुराना, महाराष्ट्र राज्य के महासचिव इंद्रपाल सिंह मारवा सत्ती, उपसचिव साजी पाटिल, उपाध्यक्ष नरेंद्र पाटिल, उपसचिव हरमिंदर सिंह अरोरा सहित कई कार्यकर्ता और मान्यवर उपस्थित रहे, जहां आए मान्यवरों का स्वागत किया गया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अलग अलग जगहों से पहुंचे। इस मौके पर कई लोगों को पद देकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। ये सारा कार्यक्रम शिवसेना अजर वाहतूक सेना के महाराष्ट्र अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम के वैसे तो पंजाबी कैंप में जब सती जी जो कार्यक्रम लेते हैं और बल साहब हमारे उनके आशीर्वाद से जो कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं, आप देखिए कि कार्यकर्ता की एक भीड़ यहाँ पे होती है, और आज भी इस कार्यकर्ता को अलग अलग पद दिए। जो कार्यकर्ता अच्छा काम करता है उसको बढ़ावा देने के लिए उनको पद यहाँ पे पद ग्रहण किया आज, और इसलिए सती साहब का जो भी प्रोग्राम यहाँ पे होता है, हम लोग सभी शिवसेना का, हमारी महिला कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता लोग सब लोग यहाँ पे पधारे, हम लोग आते हैं यहाँ पे क्योंकि अलग अलग हर जो भी इस पंजाबी कैंप में जो हर धर्म का जो प्रोग्राम होता है, उस हर प्रोग्राम इस यहाँ पे सती जी के कार्यालय के उधर होता है, अजर वाहतूक सेना के माध्यम से होता है, और इसलिए आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे कुछ कार्यकर्ता जो अच्छे काम करते थे उनको आज सर्टिफिकेट दिया, उनको आज लेटर दिया पार्टी का कि आप उनकी कुछ कुछ पदों के ऊपर उनकी नियुक्ति गई। नहीं, अजर वाहतूक सेना ये शिवसेना का एक अंग है, जैसे शिवसेना काम करते है उसी माध्यम से, देखिए अभी मुंबई तक तो, अभी तो महाराष्ट्र में हम लोग ये लोग पहुंच गए अजर वाहतूक सेना के, तो बिल्कुल शिवसेना के माध्यम से, शिवसेना का कोई भी काम हो, चुनाव हो या और कोई भी हो, हर इसमें इनका तो बहुत बड़ा रोल होता है, और इसलिए इनकी इनकी हम लोग को ज़रूरत है, या ये बोलने से ऐसा है ना कि वो शिवसेना से जुड़े हुए, और शिवसेना का जो भी इसका कार्यक्रम होगा, इसके आगे होगा, चुनाव हो या और कोई भी हो, उस हर कार्यक्रम में इन लोग रहेंगे वहाँ पे, और इनका सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए शिवसेना में ऐसा होता है ना कि कोई समझो पद छोड़ के जाता है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सब बाला साहब को चाहने वाले लोग हैं, उद्धव साहब को चाहने वाले हैं, इसलिए ऐसे कोई पद छोड़ के जाता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी जैसे वाहतूक सेना है, वैसे हमारे अजर वाहतूक सेना के बल साहब है, बल साहब ने भी पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में उनका भी उनके अजर वाहतूक सेना के माध्यम से वो फैल रहे और अच्छा काम कर रहे, तो हम लोग आशा करते हैं कि उनको और कोई पार्टी की जिम्मेदारी, हमारी शिवसेना की पार्टी की और कोई जिम्मेदारी उनके कंधे पे दे, और इसलिए एक अच्छा अच्छे कार्यकर्ते हमारे हैं, और इसलिए मैं शुभेच्छा उनको दे दूंगा आगे फ्यूचर के लिए। नवे साल का पहला मेलावा है वाहतूक सेना का, तो नवे साल के अवसर पे ये मेलावा रखा था, और अभी आगे और जोर शोर से कैसे इनको काम करना है, किस किस क्षेत्र में काम करना है, सिर्फ वाहतूक सेना का ही काम नहीं करना, जो हमारी मेन बॉडी सेना है उसका भी जो सामाजिक कार्य है वो भी जोर शोर से करना है आने वाले टाइम में। अजर वाहतूक सेना शिवसेना का एक अंग है, वो कोई अलग नहीं है, तो ताकत जो बन रही है शिवसेना की वजह से ही बन रही है, और ये जो काम भी करेंगे शिवसेना का ही करेंगे, ये कोई अलग ऐसा कोई संस्था नहीं है, ये सेना की ही संस्था है और सेना का ही काम करेंगे। हमारी तरफ से तो पूरी हमने तैयारी करके रखी हुई हर क्षेत्र में, अभी पीछे आपने देखा होगा हमारे कार्यकर्ता गए थे नगर में, वहाँ पर अभी जो बाय इलेक्शन हुई थी उसमें पूरी हमारी वाहतूक सेना की टीम भी वहाँ पर उतरी हुई थी, और जो जो एरिया हमको जवाबदारी दी गई थी वो सारे कैंडिडेट जीत के आए हुए हैं, तो जो जवाबदारी हमको पार्टी से मिलेगी उस एरिया में हम जोर शोर से काम करेंगे। 2019 शिवसेना अजर वाहतूक सेना कार्यकर्ता मिला हुआ इसके लिए रखेगा था मैडम कि आने वाले जो चुनाव है खासदार के, उसकी ताकत यहाँ दिखनी चाहिए थी, ये जो खाली सायं कोलीवाड़ा विधानसभा उसके बीच में जो मुंबई के हमारे लोग हैं लोकल, ये खाली उतने ही लोग थे, अभी पूरा महाराष्ट्र तो बाकी है, तो ये आने वाले जो चुनाव है उसमें शिवसेना अजर वाहतूक सेना की जो तैयारी है वो हमने अभी एक छोटे से ट्रेलर में दिखा दी, पिक्चर पूरी बाकी है। शिवसेना प्रमुख माननीय श्री उद्धव जी ने जो संगठन बनाया है शिवसेना अजर वाहतूक सेना, वो
इतना मजबूत है जो हमारे महाराष्ट्र के बल साहब जो अध्यक्ष हैं उनके आशीर्वाद से हम पूरे महाराष्ट्र में, चाहे वो अक्कलकोट हो, नासिक हो, पूना हो, नांदेड़ हो, बिदड़ हो, सब जगह हम घूम चुके हैं और सब जगह हम जिला डिक्लेयर कर चुके हैं। और ये मुंबई में अभी हमारी तैयारी चालू है जोरों में। ये जो 6 सीटें एमपी की मुंबई में, ये मैं आप ये बड़ी बात नहीं करता, आपको शिवसेना उधर बातुक सेना पूरे मैदान में उतरेगी। जहाँ भी हमारे एमपीस रहेंगे शिवसेना के, मुंबई में पूरे हर जगह काम करेंगे और 99% हम शिवसेना उधर बातुक सेना शिवसेना के साथ मिलके हर जगह अपना एमपी चुन के लाएंगे। 6 में से 5 जगह तो कम से कम हमारे एमपी आने चाहिए मुंबई के अंदर, ऐसी हमारी मांग और हमारी मेहनत है और हमारा विचार है कि होगा। शिवसेना अवजड़ वातुक सेना जो शिवसेना के साथ चल रही है, वो उद्धव साहब ने भी बनाई है। वो शिवसेना अवजड़ वातुक सेना शिवसेना का एक अंग है जो शिवसेना के साथ और हमेशा रहेगा। उसमें हमने कोई आस नहीं रखी कि हमको कुछ मिलेगा, हम एक शिव सैनिक है। शिवसेना प्रमुख उद्धव जी ने एक ही बात बोली और एक ही बात बोलते हमेशा, हो 80% समाजकरण, 20% राजकरण। जो हम लोग कर रहे हैं, हमको इसमें कुछ वो स्वार्थ नहीं है कि हमको कुछ पार्टी देने वाली है। पार्टी को पता हम काम कर रहे हैं, अवजड़ वातुक सेना काम कर रही है जोरों में और हम करते रहेंगे। जब पार्टी को या शिवसेना प्रमुख उद्धव जी को लगा कि अवजड़ के हाथ में और जवाबदारी देनी चाहिए, वो खुद देंगे, हमको पता है, हमको मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे एक कहावत देता हूँ छोटी सी, बच्चा रोता है माँ को पता है उनको दूध चाहिए, बच्चा रोता है भाग को पता है चॉकलेट देना, वैसे हमारे शिवसेना प्रमुख उद्धव जी को पता है किसको किस समय पर कौन सा पद देना है और कौन सी जवाबदारी देनी है। हमारे शिवसेना प्रमुख उद्धव जी हैं, वो सब संभाल रहे, देख रहे हैं, उनको हर चीज़ का पता है कि कौन संगठन क्या काम कर रहा है। वो हमको उद्धव जी को बताने की जरूरत नहीं है। उद्धव साहब का मित्र ऐसा है कि हर जगह देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो शिवसेना उधर बात सेना बेस्वार्थ होकर महाराष्ट्र में और मुंबई में काम कर रही है। जब हमारे शिवसेना प्रमुख उद्धव जी को आदेश देंगे, उसको उधर बात सेना पूरी तैयारी से निभाने के लिए खड़ी है। तैयारी तो शुरू पहले से ही हो जाती है। हमारे शिवसेना में जो जीत के आता है तो उसका यही टारगेट रहता है कि अगली टर्न तक मैं इतना काम करूं कि मेरे को लास्ट वक्त पे तैयारी ना करनी पड़े। तो अभी कार्यकर्ताओं को जो जिस हिसाब से बढ़ाया जा रहा है और उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, इसके बाद एक प्रशिक्षण शिविर भी मैं सती जी को आग्रह करूँगा कि ये एक रखें ताकि उनको राइट समय पर राइट कैसा काम करना है, लोगों के कैसे लोगों से मिलना है, लोगों के कैसे काम करने हैं। जो काम हम बहुत कुछ नहीं भी कर पाएंगे लेकिन उनके साथ सहयोग करेंगे तो लोग ये दिल में रखते हैं कि इन्होंने नहीं, हम इनके पास गए थे, इन्होंने कोशिश की है, हम इनके साथ रहेंगे। तो वो प्रशिक्षण शिविर भी जरूरी है। और वैसे भी शिवसेना तो हर समय सरजमीं पे फिट है। महाराष्ट्र में कहाँ भी आप जाएंगे, हम तो अब बल्ला लेके उतरे, अभी सामने बॉलर जो भी आ जाए।